हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग कर्व मिरर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर्व मिरर के बारे में स्टार्टिंग की थी, तो उसको और अच्छे से समझते हैं, एक बार फिर से वो समझ लेते हैं चीज़ें। ओके, तो कर्व मिरर जो होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज़ मेड फ्रॉम अ ग्लास स्फीयर। सो कर्व मिरर्स आर मेड फ्रॉम स्फीयर, हॉलो स्फीयर, एक्चुअली हॉलो खोखला, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर ऑफ, दीज आर मेड फ्रॉम हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, कांच के जो खोखले गोले होते हैं, स्फीयर होते हैं, उससे बने होते हैं हमारे कर्व मिरर, है ना। अब कर्व मिरर दो तरह के हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। वो दो तरह कैसे होते हैं, उनके पॉलिशिंग साइड डिफरेंट तरफ होते हैं, इसलिए वो दो तरह के टाइप में हो गए हैं, है ना। तो क्या था इसमें, तो दो कर्व मिरर गोले को काट कर बनाया गया है, गोले का एक हिस्सा लिया गया है। तो एक कर्व मिरर में क्या होता है कि उभड़े हुए साइड, बल्ज साइड, इसको क्या बोलते हैं, बल्जिंग साइड, जो उभड़ा हुआ एरिया फूला हुआ रहता है, तो बल्ज साइड में पेंटिंग होता है, और अंदर इनवर्ट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। और वो मिरर जिसमें इनवर्ड अंदर की तरफ पेंटिंग होता है, और हम लोग चेहरा या इमेज किधर देखते हैं, उभड़े हुए साइड में, बल्ज साइड में, कौन सा साइड, बल्ज, बल्ज, बल्ज का मतलब होता है फूला हुआ या निकला हुआ बाहर की तरफ, ठीक है। तो दोनों में निकला हुआ, लेकिन एक में निकले हुए साइड पे पेंट हो गया तो अंदर चेहरा दिखेगा, इमेज दिखेगा, एक में मतलब कि अंदर के साइड में पेंटिंग है और उभड़े हुए साइड में हमको इमेज दिखेगा या चेहरा दिखेगा। तो इस तरह का जब अगर हम लोग पेंटिंग करते हैं, इनवर्ड पेंटिंग और आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इससे जो मिरर बनता है उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। तो ये हमारे दो टाइप के मिरर हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और हम लोग पढ़ा क्या स्टार्टिंग में, कि दीज आर मेड फ्रॉम हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ये दो जो कांच है ये कर्व रहते हैं, है ना, कर्व रहते हैं, यानी किसी कर्व वाले हिस्से से प्राप्त किए गए। तो सर्कल में या स्फीयर में हर तरफ गोलाकार है, उसके किसी भी हिस्से से काटा जा सकता है। तो ये कांच के खोखले गोले से निकाले गए पार्ट्स हैं, जिनको अंदर या बाहर पेंट कर देंगे तो दो अलग मिरर की तरह वो बिहेव करते हैं और अलग अलग तरह के इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब हम इसको स्फीयर से लेकर दोनों को समझते हैं कि ये हमारा स्फीयर है और ये हमारा स्फीयर है, दो स्फीयर है। मान लेते हैं कि इस स्फीयर से, इसी एक हिस्से से निकाला गया है कॉनकेव वाला साइड, ओके। तो थोड़ा सा डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इतना जो हिस्सा बचा इसको मैंने बाहर से पेंट कर दिया, ठीक है। ये डॉट डॉट दिखाने का मतलब है कि ये हमारा जो कर्व पार्ट है, ये हमारा मिरर है, स्फेरिकल मिरर, है ना। और आगे डॉट से जोड़ने का मतलब है कि ये किसी गोले आकार की आकृति से जुड़ा रहा होगा, उसी का टुकड़ा है, उसी से बना है, ये दिखाने का मतलब है। तो इस तरह से ये बाहर की साइड पेंटिंग होगा, अंदर की साइड खोखला, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यही इसी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। अब इसको देखें, ये भी स्फीयर से बना हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, जितने भी स्फेरिकल मिरर है वो स्फीयर के ही पार्ट हैं, स्फीयर को काट कर ही बनाया गया है। तो ये जो हिस्सा बचा, अब इसमें क्या किया गया है कि अंदर के साइड में पेंटिंग की गई है, इनवर्ट साइड,
और आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं कि छोटा पार्ट लग रहा है। मान लीजिए यहाँ तक है, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा कॉनकेव। हमेशा याद रखिए, देखने से या छूकर अगर समझना हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर जो होता है, टच करने जिधर आपका चेहरा दिख रहा है या इमेज जिधर दिखता है या जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो साइड आपको धंसा हुआ लगेगा, आपको डिप्रेस लगेगा, जिससे ये है तो हल्का सा अंदर की तरफ रहेगा। और कॉन्वेक्स मिरर को देखना है, ये तो कॉनकेव का हो गया, धंसा रहेगा। कॉन्वेक्स में क्या होगा, जब आप रिफ्लेक्टिंग साइड को टच करेंगे तो थोड़ा सा उबड़ा हुआ लगेगा बीच में। तो इस तरह से फिजिकली टच करके भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर पिक्चर में आपको शो करना है तो ऐसे ही होगा कि उबड़े हुए साइड में पेंटिंग है तो कॉनकेव मिरर, और धसे हुए साइड में पेंटिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर। और ये दोनों ही किसी स्फेरिकल हॉलो ग्लास के टुकड़े हैं, ठीक है, किसी गोला आकार के कांच के टुकड़े से बने हुए हैं, ठीक। अब तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कांच के टुकड़े से बने हुए हैं, ये तो क्लियर हो गया। कांच के गोले से बने हुए हैं, उसी का टुकड़ा काट कर बनाया गया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या करना है, अब इसके कुछ बेसिक्स समझने हैं। जैसे कि आगे चल के आपको रे डायग्राम वगैरह समझना होगा, तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको जानना जरूरी है। तो बेसिक टर्म्स हम लोग अब समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स क्या है, ये गोला है, दोनों गोला है, गोला एक स्फीयर या बॉल जो होता है उसका एक सेंटर होगा, है ना। तो यहाँ पे सेंटर हो गया, सेंटर हम लोगों ने सी से लिख दिया, इसका भी एक सेंटर होगा, इसको भी हमने सी से लिख दिया, इससे ये बना है काट कर, ओके। अब उसके बाद ये स्फेरिकल शेप का है या सर्कुलर शेप का है, तो ये इक्विडिस्टेंट होगा, सेंट्रल पॉइंट से हर तरफ इक्वल होगा। और सेंट्रल पॉइंट से किसी एक तरफ अगर लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये हमारा हो गया रेडियस, है ना। तो इसमें भी यही सेम पैटर्न होगा, चूँकि स्फेरिकल है तो हर तरफ इक्वल होगा सेंटर से, तो ये भी हमारा हो गया रेडियस, क्लियर। और वो पॉइंट, ये जो हमने एक कर्व काटा है, कर्व जैसा स्फेरिकल मिरर काटा है, है ना, तो इसका सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं हमारा पूरा है एक मिरर इतना, तो इसका एकदम मिडिल पॉइंट है ना, एकदम मिडिल पॉइंट ऊपर नीचे से इक्वली काटे, वो पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। पोल तो यहाँ पे क्या है, पोल है पी, ठीक है। तो ये भी इसका पोल है, हमारे मिरर का जो टुकड़ा है उसका एकदम सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो होता है पोल, ठीक है, वो होता है पोल। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। तो ये हमारा है पोल, ओके। तो ये पहले तीन टर्म हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। तो ये सेंटर, रेडियस, पोल, ये क्या चीज़ें आई, वो कहाँ से डिटरमाइन हुई, वो डिटरमाइन हुई जहाँ से, जिस हॉलो स्फीयर से को काट करके ये मिरर बनाए गए उससे डिटरमाइन हुई है, कि जिस हॉलो स्फीयर से ये हमारा मिरर बना है उससे, उसके सेंटर से इसके पोल की दूरी, इसके सेंट्रल पार्ट की दूरी, इस टुकड़े के मिडिल पार्ट जिसको पोल बोलते हैं और उस सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस, या फिर इसको बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों बोलते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब होता है एक कर्व्ड पार्ट, एक कर्व्ड पार्ट, कोई भी एक थोड़ा सा घुमा हुआ पार्ट जो होता है, जैसे हमारे ये मिरर जो है वो कर्व पार्ट ही है, एक टेढ़े से पार्ट है, किसका पार्ट है, इस स्फीयर का, है ना। तो कर्व पार्ट को ही हम लोग कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब हमारे मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो कहाँ से डिटरमाइन होगा, उस पॉइंट से, उस सर्कल के पॉइंट से या उस स्फीयर के सेंट्रल पॉइंट से जिसको काट कर हम लोग ये प्राप्त किए हैं, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा, इट इज, इसको ब्लू कलर से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ साफ दिख रहा है इस हॉलो स्फीयर का रेडियस, है ना। तो इट इज
द रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैं लिख रहा हूँ, इट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल, हमेशा हॉलो पहले लिखना है, हॉलो यानी खोखला, हॉलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो आर्क या रेडियस जो है वो कहाँ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं, वो क्या होता है, रेडियस रेडियस इट इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच, ये ग्लास लिखा हूँ मैं, ठीक है, अब ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस हॉलो खोखले कांच के बने हुए स्फेरिकल ग्लास के रेडियस के बराबर होता है, जिससे हमारा जिसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, हमारा मिरर, जिसको काट करके हमने मिरर निकाला है, उस पूरे गोले का जो रेडियस है वही हमारा इस मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये इसी का हिस्सा रहा है, तो हमेशा रेडियस इसी के रेफरेंस लेंगे जिससे ये काट कर बना है हमारा मिरर। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मिरर इसका एक पार्ट है, किस्सा है, तो ये दोनों के बीच में कॉमन है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स। क्लियर, ये थोड़ा सा पेंटिंग ज़्यादा दिखाना है। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद सी क्या है, सी सेंटर है उस सर्कल का, है ना, उस स्फेरिकल बॉल का, जो खोखला कांच का बना हुआ बॉल है उसका सेंटर है। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं, है ना, तो इसको मिटाते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से यहाँ से कर्वेचर आ गया, कर्वेचर बार बार शब्द आएगा, कर्वेचर का मतलब ही है एक कर्व्ड पार्ट, एक घुमा हुआ पार्ट, कर्व्ड पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, तो हमारे दोनों मिरर जो कर्व है, इस टुकड़े हैं किसके, इस पूरे गोले के, इसलिए बार बार ये कर्वेचर टर्म आ रहा है, और इसी से रिलेट करके सारे टर्म लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच मिरर मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, हर केस में आप देख रहे हैं मिरर इज अ पार्ट, क्योंकि मिरर इस स्फेरिकल बॉल का एक हिस्सा रहा है, उसी से निकला है, इसलिए बार बार ये टर्म आ रहा है। ठीक है, तो इट सेंटर, सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल बॉल, एक खोखले कांच के ट्रांसपेरेंट गोले के सेंटर जो है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, हमारा मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। ठीक, क्लियर है, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये चीज़ें जाननी जरूरी है, क्योंकि इसका बहुत सारा आगे काम आएगा, रे डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो उसमें भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये जान लीजिए। ठीक, हालांकि कभी हम लोग मिरर लेते हैं तो हमको वो गोला दिखता नहीं है, है ना, हमको बस एक टूटा हुआ या मतलब कर्व पार्ट दिखता है, जो लगता है कि किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, एक्चुअली में वो किसी गोले का हिस्सा रहा है, तो उसी थ्योरी से ये सब सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, कि सारे जो कर्व मिरर हैं ये किसी गोले कांच के खोखले गोले गोले बॉल से बने हुए काट कर उसको बने हुए हैं, दैट इज़ वाई ये सारे थ्योरम उसी पे बेस्ड है, उस गोले को इमेजिन करके बनाया बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अब यहाँ पर क्या है पी, ठीक है, पी के बारे में समझ लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक, अभी तक क्लियर हो गया होगा आई होप, चलिए तो इसको मिटा देते हैं,
ठीक है, तो अगला हमारा जो टर्म है वो है पी, पी पी फॉर होल ऑफ मिरर, यहाँ पे कर्वेचर नहीं लिखा है, पोल ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, पोल ऑफ मिरर भी बोल सकते हैं। तो ये पोल क्या है, पोल क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, हमारा जो कांच का टुकड़ा है जिसको हम लोग मिरर की तरह यूज कर रहे हैं, उसका उसको एकदम इक्वली काटें या इक्वल पॉइंट अगर डिफाइन कर दें, उसका मिडिल पार्ट कहाँ पर है, उसी मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ व्हाट, मिरर है ना, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्व मिरर, कोई भी कर्व मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई भी हो, उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है जो उस मिरर को ऑलमोस्ट इक्वली एकदम इक्वली डिवाइड कर दे, उस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं और पी से शो करते हैं रे डायग्राम में। रे डायग्राम क्या होता है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो पी फॉर पोल ऑफ द मिरर, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्व मिरर, किसी भी कर्व मिरर का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम लोग पोल बोलते हैं, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ये सारी चीज़ें हो गई और क्या बचा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक लाइन आप देख रहे होंगे, ये तो हमारा रेडियस का लाइन है ना, तो ये रेडियस का लाइन काफ़ी एक्स्ट्रापोलेट हम लोग कर सकते हैं और दूर तक भी दिखा सकते हैं, काफ़ी दूर तक जा सकता है ना इस केस में भी। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से होते हुए कहीं भी जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पार्टिकुलर टर्म सिंबल नहीं है, लेकिन इस लाइन को बोलते क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होते हुए गुजरती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको, इट इज अ लाइन विच, स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं लाइन की जगह पे, कर्व लाइन जो लाइन लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसको स्ट्रेट लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा, कभी टेढ़ा नहीं बनाएंगे। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू सेंटर, इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, समझ में आया कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ भी एक्स्ट्रापोलेट की जा सकती है, खींची जा सकती है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल से होते हुए आगे भी जाती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, वो स्ट्रेट लाइन जो किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए गुजरती है, पास होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारा बेस लाइन हो गया, इस बेस लाइन का यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे रे डायग्राम में इमेज वगैरह या ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा एक बेस लाइन है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर पास होती है या गुजरती है, ओके। चलिए ये हो गया, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने समझ लिए। अब उसके बाद
एक और टर्म हम लोग को देखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद अगला चीज़ देखते हैं क्या है। कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग को जानने ज़रूरी हैं, एक बार जान लेंगे तो आगे समस्या नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछ भी लेता है छोटे छोटे टर्म। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारा है फोकस। फोकस छोटा लिखा रहा है, इसको मिटा देते हैं तो क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो बहुत ही जरूरी है, सभी पॉइंट जरूरी हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फोकस। अब ये फोकस क्या है, तो इन दोनों को मैं हटा कर एक वेट। चलिए अब एक बात ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें तो सही है। ओके ठीक है। अब एक मैं सिंगल स्फीयर बना दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ, चाहे कोई भी मिरर बना के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ कन्फ्यूजन है, जैसे कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का साइड है ना, तो यहाँ तो पेंटिंग है, तो लाइट किधर से आएगा, इधर से आएगा, है ना। और ये रिफ्लेक्टिव साइड बाहर की तरफ जो नीला लाइन है सर्कल का, यहाँ से टकरा के उधर जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का होना तो इधर ही है अंदर की तरफ, लेकिन इधर तो लाइट आएगा नहीं, क्योंकि यहीं से लाइट टकरा के उधर चला जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि लाइट यहाँ पे है, यहाँ से टकरा के निकल गया या यहाँ से इधर चला गया घूम के, मान लीजिए अभी फिलहाल तो अंदर तो आया नहीं, और जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस अंदर ही है ना, जो भी चीज़ें हैं अंदर ही हैं, ये सब यहीं पर होती हैं, ठीक, मिरर के केस में। तो यानी लाइट आएगी, टकरा के चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पहुँचेगी नहीं, लेकिन हम लोग अनुमान लगाएंगे तो लगेगा कि वो पहुँच रही है, सारे लाइट्स तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा एक आभास होगा, जैसे बोलते हैं हम लोग ना वर्चुअल इमेज, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता हुआ मालूम पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस हम लोग देखेंगे थोड़ा सा उल्टा है, जबकि इसके केस में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लाइट आएगी, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, यहाँ से अभी टकरा के फिर इधर चली जाएगी, यही हमारा फोकस है, पोल है, कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब कुछ चीज़ें हैं। तो इधर से जब चीज़ें आएंगी तो मोस्ट ऑफ द केस में रियल इमेज बनता है, क्योंकि टकराने के बाद जो लाइट है इस पोर्शन से होकर गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर लाइट जो है टकराने के बाद उधर ही चल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास तो आ ही नहीं रही है। तो इसका थोड़ा सा यूनिक केस होता है, और मैक्सिमम ये कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वो सब बाद में देखेंगे, पहले आते हैं फोकस पे, ठीक है। तो आते हैं फोकस पे, इसको मिटाते हैं, फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस उसके लिए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा मिरर है, और ये बाहर से पेंटेड है, बल्ज साइड से, जो उभड़ा हुआ साइड है, उभड़ा हुआ साइड जो है बल्ज साइड, उससे उधर पेंटेड है, और अंदर जो है स्मूथ है, यानी रिफ्लेक्टिंग साइड है, यानी कौन के मिरर है, ओवरऑल कहने का ये मतलब है, आप समझ सकते हैं। बार बार आप याद करेंगे या बना के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कौन के मिरर, ठीक, कौन के मिरर है, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ लिए थे, ये सेंटर पॉइंट पढ़ लिए थे, उसके बाद ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारा यहाँ से यहाँ सेंटर से यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर था, यहाँ पे जो पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट इस मिरर का जस्ट हाफ वो पोल था। अब हम लोग पढ़ने वाले थे, और ये जो लाइन थी, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती है, उसको क्या हम लोग बोल रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, उसके लिए कोई पार्टिकुलर सिंबल नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है फोकस। फोकस जैसे हम लोग बोलते हैं
कि पढ़ाई पे फोकस करो, खेल कूद पे फोकस करो, जैसे आपका जो एम है, टारगेट है, उस चीज़ पे बोला जाता है इस पे फोकस करो। तो वही बात है कि फोकस का मतलब क्या है। फोकस का मतलब भी यही होता है कि जब कोई लाइट रेस आएगी, है ना, कोई लाइट रेस आएगी तो वो जो रिफ्लेक्टिंग साइड है मिरर का, उससे टकरा के हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरेगी। प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे गिरेगी सारी लाइट रेस एक साथ, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो मान लेते हैं कि ये लाइट रेस आ रही है, ठीक है, ये लाइट रेस आई यहाँ से, हमारे रिफ्लेक्टिंग साइड यहाँ पर है अंदर की तरफ, यहाँ से टकरा के यहाँ आ गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही लाइट रे तो आए नहीं, हजारों लाखों की संख्या में आएगी, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए केवल एक लाइट रे बना के मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। एक को मान लीजिए अब हज़ार, तो कई सारी लाइट रेस आई कॉनकेव मिरर के अंदर वाले साइड में, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उस पर टकराई, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए इधर आ गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ भी वो टच की रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये हमारा फोकस, फोकस को कैपिटल एफ से शो करते हैं। तो क्या समझ में आया कि ऑल द पैरेलल बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट आप गेट रिफ्लेक्टेड एंड पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज फोकस। क्लियर, इसको लिख सकते हैं व्हेन पैरेलल, सारी लाइट रे पैरेलल ही आएंगी, सीधी आएंगी, टेढ़ी मेढ़ी तो आएंगी नहीं। व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल्स, पैरेलल, पैरेलल किसके है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल बोलने का मतलब है कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस भी सीधा है और उसी के पैरेलली लाइट भी आ रही है सीधी सीधी। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं तो फिर क्या होगा कि पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल्स, नहीं, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कई सारी लाइट की रेस पैरेलली आ रही हैं, किसके पैरेलल, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की, ये जो बेसिक लाइन है, ठीक है, उसके पैरेलली आ रही हैं, और आने के बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, इंटरसेक्ट मतलब कहाँ पे क्रॉस कर रही, यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट पे जो एफ पॉइंट है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस का ही लाइन है, इसी पे काट रही हैं। कैसे काट रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली आ रही हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही हैं, है ना, इधर मूव कर रही हैं, और आते हुए वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे ये लाइट रेस इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस इसी को बोलते हैं। क्लियर हो गया कि लाइट रेस बहुत सारी पैरेलली हमारे प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलली कई सारी लाइट रेस आ रही हैं, कई सारी, और सारी सारी यहीं से, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक कॉमन पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करके रिफ्लेक्ट हो रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेस आ रही हैं और क्रॉस कर रही हैं उसको, उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्लियर, तो ये हमारा हो गया फोकस, इसको एफ से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए, तो फोकस हो गया, और क्या बचा, फोकस, हाँ, अब आप ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, काफ़ी गंदा हो गया, थोड़ा क्लियर, इसीलिए एक लाइट रेस या दो लाइट रेस बनाते हैं ताकि हर चीज़ जो है क्लियर दिखे, है ना। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो कहीं तक भी एक्स्ट्रापोलेट लंबा खींचा जा सकता है, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है,
अब मान लेते हैं ये लाइट रे एक है, एक लाइट रे है जिसको हम लोग 1000 लाइट रेस भी मान सकते हैं, और ये यहाँ से पास हो रही है, कहाँ से, यहाँ से। बाकी सबको मिटा देते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन होगा। मान लेते हैं जितनी भी लाइट रेस आ रही हैं इधर से, वो इस पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर में देखेंगे, अगर इस पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों पॉइंट के जस्ट मिडिल में है हमारा फोकस। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो ये रेडियस हमारा है आर जिसको लिखते हैं, उसका जस्ट हाफ होता है हमारा फोकस। ये क्लियर हो रहा है ना? तो यही एक्चुअल में रियलिटी में भी पाया गया है कि जो भी लाइट रेस पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती हैं उसको फोकस बोलते हैं, और फोकस जो होता है हमारे रेडियस का इस पार्ट का जस्ट हाफ होता है। ठीक है, तो इससे एक फार्मूला बना है, फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू। ठीक है, ये फार्मूला बना है, फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन